हेलो गाइस गाइस कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब ठीक होंगे। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन का यूज करके कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग अपने फोन में कैसे बना सकते हो। गाइस आई होप गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिले। तो चलिए गाइस वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने पहले से चैनल में नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और गाइस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए गाइस फाइनल वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा गाइस, पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन करके अपने फोटो को ऐड कर देना है गाइस। देन गाइस अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, आपको एफएस में आ जाना है गाइस। एफएस में आने के बाद अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, कलर वाली टूल को यूज करके कुछ इस टाइप से अपने बैकग्राउंड को ऐड कर देना गाइस। देन गाइस अपने हिसाब से अपने कलर को चूज करना है गाइस। तो मैं चूज कर दिया गाइस। देन अभी आपको ऐसे डन कर देना है। डन हो जाने के बाद इस फोटो को आपको क्या करना होगा, लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करना है गाइस। तो इस फोटो को पहले आपको सेव कर देना है। सेव करने के लिए अभी आपको ऐसे ड्रॉ में आना है गाइस। आने के बाद फिर से ड्रॉ में क्लिक करके ये तो देख सकते हो गाइस 3 डॉट ऑप्शन आ चुका है। अभी आपको ऐसे क्लिक करना है गाइस। क्लिक हो जाने के बाद अभी आपको ऐसे ऑप्शन आएगा न्यू सेव इमेज। अभी आपको ऐसे सेव इमेज पर क्लिक करना है गाइस। तो आप लोग देख सकते हो गाइस सेव इमेज पर क्लिक करके हमारे फोटो सेव हो चुका है। अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करना है गाइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर चुका हूँ। देन गाइस अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, आपको इस फोटो को एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के लिए बेस्ट टूल है लाइट बल्ब टूल। तो चलिए गाइस मैं लाइट बल्ब टूल को क्लिक कर देता हूँ। क्लिक हो जा अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, आप लोग देख सकते हो गाइस अपने फोन में बहुत सारे कलर आ चुका है। देन गाइस अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, इस फोटो को एडजस्टमेंट करने के लिए आपको ऐसे एक्सपोजर को थोड़ा सा प्लस कर देना है और गाइस इसका कंट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस कर देना है। देन इसका हाईलाइट को प्लस कर देना है और इसका शैडोस को माइनस कर देना है गाइस, और इसका वाइट को प्लस और इसका ब्लैक को थोड़ा सा माइनस कर देना है गाइस। देन गाइस हमारी फोटो एडजस्टमेंट हो चुका है। अभी आपको ऐसे क्या करना होगा गाइस, आपको कलर बल टूल को आपको आ जाना है गाइस। तो आप लोग देख सकते हो गाइस मैं कलर बल टूल को आ चुका हूँ। आ जाने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस आपने फोन में वॉलपेपर में बहुत सारे कलर आ चुका है। देन गाइस अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, आपको ऐसे वाइब्रेशन को थोड़ा सा प्लस कर देना है गाइस। देन गाइस इसका सेचुरेशन को माइनस और इसका टेम्परेचर को थोड़ा सा माइनस कर देना। देन माइनस हो जाने के बाद अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, आपको ऐसे मिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है गाइस। क्लिक हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हो बहुत सारे कलर आ चुका है और 3 ऑप्शन आ चुका है। अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, आपको ऐसे पर्पल वाले कलर को चूज करना गाइस, क्योंकि आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड का कलर है पर्पल। तो तरीके से मैं पर्पल वाले कलर को चूज कर दिया। चूज कर देने के बाद अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, इसका ह्यू को थोड़ा सा प्लस कर देना है और इसका सैचुरेशन को प्लस कर देना है। देन गाइस अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, आपको अभी ऑरेंज वाले कलर को सिलेक्ट करना है गाइस, क्योंकि हमारे फेस है सैचुरेशन है। अभी आपको ऐसे सैचुरेशन को हटाने के बाद अभी आपको ऑरेंज वाले कलर को सिलेक्ट करना है। देन गाइस अभी आपको ऐसे सैचुरेशन को माइनस कर देना है और इसका लुमिनस को थोड़ा सा प्लस कर देना है गाइस। प्लस हो जाने के बाद देन अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, आपको ब्लू वाली कलर को सिलेक्ट करना है गाइस, क्योंकि हमारे ड्रेस में बहुत सारे ब्लू है। देन अभी आपको इसका ह्यू को माइनस कर देना है, सॉरी दोस्तों प्लस कर देना है, और इसका सैचुरेशन को थोड़ा सा प्लस कर देना है, काफ़ी इतना कर देना है। देन गाइस कर देने के बाद अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, आपको ये वाली कलर को चूज करना है, इसका ह्यू को थोड़ा सा माइनस और इसका सैचुरेशन को प्लस कर देना है गाइस। देन गाइस अभी आपको ऐसे ग्रीन वाली कलर को सिलेक्ट करना है गाइस, क्योंकि आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत सारी ग्रीन कलर अभी आपको ऐसे ड्रेस में आ चुका है। देन गाइस अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, इसका ह्यू को माइनस कर देना है और इसका सैचुरेशन को प्लस कर देना है। प्लस हो जाने के बाद अभी आपको ऐसे डन कर देना है गाइस। तो आप लोग देख सकते हो गाइस हमारी फोटो इसी तरीके से डन हो चुका है। अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, आपको अभी इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है गाइस। क्लिक हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत सारी ऑप्शन आ चुका है गाइस। आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत सारे ऑप्शन आ चुका है। देन गाइस अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, इसका टेक्सचर को थोड़ा सा प्लस कर देना है और इसका क्लैरिटी को थोड़ा सा प्लस कर देना है। देन गाइस इसका बिगनेट को थोड़ा सा माइनस कर देना है और इसका मिड पॉइंट को भी थोड़ा सा माइनस कर देना है। तो आप लोग देख सकते गाइस माइनस हो जाने के बाद अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, आपको ट्राइंगुलर टूल को क्लिक करना है गाइस। देन गाइस क्लिक हो जाने के बाद अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, तो
आप लोग को मैं ध्यान से देखा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि इस फोटो को बहुत सारे स्मूथ नहीं है। अभी आपको इसे क्या करना होगा, आपको फोटो को स्मूथ बनाने के लिए आपको ऐसे नॉइज इटेशन को थोड़ा सा प्लस कर देना है। तो आप लोग देख सकते गाइस, प्लस कर देने के बाद अभी आपको ये देख सकते हो बहुत सारी तो स्मूथ बन चुका है। देन गाइस अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, आपको कॉलर नॉइज इटेशन को थोड़ा सा प्लस कर देना। तो गाइस प्लस हो जाने के बाद अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं, आपको ऐसे फोटो को सेव करना है गाइस। तो हमारी फोटो सेव होने के बाद अभी आपको ऐसे क्या करना होगा, आपको सेव टू डिवाइस पर आपको क्लिक करना है गाइस। तो देख सकते हैं गाइस सेव टू डिवाइस। तो गाइस आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ सीखने को मिले तो चैनल